हेलो फ्रेंड्स, लीलावती आईएएस की तरफ से मैं सुशील श्रेष्ठ आपका स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम चर्चा करेंगे वो एक मौलिक प्रश्न है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन, या मेट्रो में या रेलवे में महिलाओं के लिए और विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से डब्बे होते हैं। कुछ लोगों को समाज में आरक्षण प्राप्त है नौकरियों में, कुछ लोगों को नहीं है। तो ये जो ट्रीटमेंट, डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट है, ये विभेदनकारी व्यवहार है, इसका आधार क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में समता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आज हम इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16 में क्या संबंध है और अनुच्छेद, विशेषकर अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, वो एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसकी केस स्टडी क्या है, और अनुच्छेद 14 से कौन कौन से संस्थान उन्मुक्त हैं, कौन इससे बाहर है, इसके बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे और एक पूरी डिटेल चर्चा होगी। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ये समर्थन हम चाहेंगे। और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी पा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आते हैं अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, आज हम समता के अधिकार राइट ऑफ इक्वलिटी के अंतर्गत आर्टिकल 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 14 कहता है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, इसे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इसके जो फाउंडर हैं वो एवी डायसी हैं। तो जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, इसको दिया डायसी ने। रूल ऑफ लॉ के इन जनरलाइज्ड हम तीन सिद्धांत निकालते हैं। पहला है सुपरमेसी ऑफ लॉ, फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ और फिर लिमिटेशंस ओवर द रूल। तो हम विधि की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं। विधि के शासन का एक एलिमेंट है सुपरमेसी ऑफ लॉ, जिसमें स्टेट के आर्बिट्रेरी पावर को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है कि लॉ ऑफ द लैंड इज कंप्लीट, सुप्रीम एंड प्राइम। लॉ ऑफ द लैंड इज कंप्लीट, सुप्रीम एंड प्राइम। जमीन का कानून ही, उस देश का कानून ही पूर्ण है, सर्वोच्च और प्रधान है और सभी लोग कानून के अधीन हैं। दूसरा है विधि के समक्ष क्षमता, रूल ऑफ लॉ का सेकंड एलिमेंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, आइदर पीएम और प्रेजेंट, वो दोनों विशेषाधिकार को प्राप्त नहीं होंगे। प्रधानमंत्री से लेकर प्यून तक सभी के लिए कानून क्या है, बराबर है और नोबडी विल बी प्रिविलेज्ड और किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा और लॉ सब पर इक्वल अप्लाई होगा। जो थर्ड रूल है, एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का, वह है लिमिटेशंस, शासन की शक्ति पे। जो रूलर है, जो शासक है, उसकी शक्ति पे मर्यादा है। और आप जानते हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में शासन की शक्ति असीमित नहीं है, ये लिमिटेड पावर है प्रजातंत्र में और उस पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और जो शासक का व्यवहार है या शासन का व्यवहार है वो लिमिटेशंस के अधीन होनी चाहिए और इन लिमिटेशंस की परीक्षा की जाएगी कि वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है। इस प्रकार विधि के शासन के तीन एलिमेंट हैं। मित्रों, यहाँ हम ध्यान देंगे समता का क्या मतलब होता है, क्योंकि विधि के समक्ष समता है। समता का अर्थ मैथमेटिकल इक्वलिटी नहीं है। इसको आप ऐसे समझें जैसे किसी घर में 5 लोग हों और आपको 10 लीटर दूध बांटना हो, तो क्या सबको 2-2 लीटर दे दिया जाए ईच पर्सन, तो ये मैथमेटिकल इक्वलिटी हुई। लेकिन उसी घर में कोई छोटा बालक है, कोई पहलवान है, कोई रोगी है, तो छोटा बालक 2 लीटर कंज्यूम नहीं करेगा और पहलवान का 2 लीटर में काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, फेयर एलोकेशन करना है, फेयर एलोकेशन, आपको न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। तो समता का जो अर्थ है वो मैथमेटिकल इक्वलिटी नहीं है, वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर एलोकेशन है। तो
गणितीय समानता और समता में अंतर है, क्योंकि ईश्वर ने भी सबको समान नहीं बनाया है और जो इनइक्वलिटी है वो नेचर में पाई जाती है। लेकिन सभ्य समाज में ये उम्मीद की जाती है कि स्टेट इनइक्वलिटी को कम करेगा और अपने नागरिकों के मध्य फेयरनेस फेयर ट्रीटमेंट इस्टेब्लिश करेगा, यही है समता का अर्थ। अब चलिए हम अनुच्छेद 14 की शाब्दिक व्याख्या करते हैं, लिटरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्टिकल 14। देखिए आर्टिकल 14 में सबसे पहले हमें व्याख्या करनी होगी राज्य की, फिर राज्य क्षेत्र की, फिर किसी व्यक्ति की, फिर विधि के समक्ष क्षमता इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ की व्याख्या हमें करनी होगी। तो हम देख रहे हैं ये पांच एलिमेंट राज्य, राज्य क्षेत्र, व्यक्ति, विधि के समक्ष क्षमता और इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ, इनकी व्याख्या की जाएगी। आर्टिकल 14 में जो स्टेट वर्ड यूज हुआ है उसका संबंध अनुच्छेद 12 में स्टेट से है, सामान्य भाषा में स्टेट से नहीं है, अनुच्छेद 12 में जो स्टेट डिफाइन किया गया है उस राज्य को ये कहा गया है कि राज्य वंचित नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 14 के अधीन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, समता का अधिकार है, वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, भारत के आउटसाइड टेरिटरी पर ये लागू नहीं होगा। इट मीन्स जो इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ और इक्विटी बिफोर लॉ दोनों हैं, ये दोनों विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मिलेंगे, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया की इसकी डिमांड आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है यहाँ अनुच्छेद 14 में ये कहा गया किसी भी व्यक्ति को, तो व्यक्ति का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ व्यक्ति का मतलब सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों से है, ये दोनों को मिलेंगे 14 के समता के अधिकार। और जो व्यक्ति है ना उसके अधीन ये लीगल एंटिटी भी शामिल है, जो व्यक्ति की परिभाषा आर्टिकल 14 की उसके अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी शामिल है, अर्थात कंपनी निगम व्यक्ति समूह पर भी ये लागू होगा अनुच्छेद 14। इसका मतलब अनुच्छेद 14 नेचुरल पर्सन के साथ साथ लीगल पर्सन पर भी लागू होगा। विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ क्या है, स्वयं डायसी के शब्दों में नोबडी इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड, आइदर पीएम और प्यून, कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है। ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये निगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है, नोबडी इज अबव द लॉ निगेटिव इसलिए है कि यह किसी के लिए विशेषाधिकार की डिमांड नहीं करता, प्रिविलेज राइट की डिमांड नहीं करता, और राज्यों के बीच कहता है कि समान व्यवहार करेगा, समान व्यवहार किया जाएगा, तो ये प्रिविलेज की डिमांड नहीं करता। ध्यान रखिए आर्टिकल 14 सिमिलर ट्रीटमेंट की बात करता है, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं करता है। जैसा कि मैंने ऊपर उदाहरण में बताया था कि एक परिवार में 5 लोग और 10 लीटर दूध। विधियों का समान संरक्षण इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ का क्या अर्थ है, देखिए अमेरिकी संविधान से हमने इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ लिया, ये इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ जो है वो ये कहता है समान के साथ समान व्यवहार, अगर व्यक्ति की परिस्थितियां समान हैं तो उन पर समान विधि लागू की जानी चाहिए और लागू करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार भी समान होना चाहिए। इस प्रकार इसके 3 एलिमेंट हैं, यदि परिस्थितियां समान हैं तो समान विधि लागू होनी चाहिए और लागू करने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी समान होना चाहिए, इसे कहते हैं समान के साथ इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सिचुएशन। देखिए ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये राज्य को पॉजिटिव एक्शन करने के लिए, एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है, तो विधियों का समान संरक्षण पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वहीं इक्विटी बिफोर लॉ एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है जो प्रिविलेज को डिनाई करता है। अब आप देखिए अनुच्छेद 14 जो है उसमें वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जैसे अनुच्छेद 14 को समता के अधिकार में हम आर्टिकल 15-16 पढ़ेंगे तो स्त्रियों और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है। आपने देखा होगा और मैंने पहले ही बताया था कि आप रेलवे स्टेशन की लाइन पर खड़े हैं तो आपने देखा होगा टिकट काउंटर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग से क्यों होती है और सामान्य लोगों के लिए एक अलग से क्यों होती है, ऐसी व्यवस्था राज्य ने क्यों की, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक वर्ग है, महिलाएं एक वर्ग हैं, विकलांग व्यक्ति एक वर्ग हैं। तो यहाँ जो आर्टिकल 14 है वो कहता है यदि सिचुएशन जस्टिफाइड हो, प्रॉपर हो, अप्रोप्रिएट हो
राज्य अलग अलग व्यक्तियों के लिए डिफरेंशियल बिहेवियर कर सकता है। इसका मतलब आर्टिकल 14 में डिफरेंशियल बिहेवियर की अनुमति है। उदाहरण है इनकम टैक्स, अलग अलग इकोनॉमिक कैपेसिटी वालों के लिए अलग अलग दर पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, सब पर एक समान दर से टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन दो शर्तों को पूरा करना चाहिए। जो क्लासिफिकेशन की शर्तें हैं वो इंटेलिजेंस डिफरेंसिया पर आधारित है। इंटेलिजेंस डिफरेंसिया का मतलब है जो वर्गीकरण है उसका बेस क्लियर होना चाहिए, और कौन समूह में है और कौन समूह में नहीं है ये क्लियर कट पता होना चाहिए। और उसकी दूसरी शर्त क्या है, जो डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का उद्देश्य जो है वो उसका उद्देश्य और एक्ट का उद्देश्य इनके बीच एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए। अगर ये दो बातें हैं तो क्लासिफिकेशन जो होगा, जो वर्गीकरण होगा, डिफरेंशिएशन होगा, उसकी अनुमति है। इसको हम समरी में समझें कि आर्टिकल 14 किसी क्लास के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं, किसी क्लास के लिए अलग से विधायन को प्रोहिबिट करता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ है उसके लिए क्लासिफिकेशन को ये प्रोहिबिट नहीं करता। जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ेपन को आधार बनाते हुए, इन सब में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण केस है ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो रूलर है, जो शासक है, उसके निरंकुश व्यवहार के अगेंस्ट एक गारंटी दी है, और इसमें उन्होंने जो डिसीजन दिया बोला इक्वलिटी और आर्बिट्रेरीनेस, वो दे आर इक्वलिटी और आर्बिट्रेरीनेस वो एक दूसरे के विपरीत हैं, जन्मजात शत्रु हैं, दोनों नहीं हो सकता। आप इक्वलिटी की भी बात करें और आर्बिट्रेरी पावर भी रखें, बोथ आर नॉट पॉसिबल इन द सेम टाइम, और दो गलत जुड़ के एक सही का निर्माण नहीं करते हैं। अनुच्छेद 14 का संबंध नैसर्गिक न्याय से भी है। इसे टाटा सेलर मामले में अनुमोदित किया गया, इसे बेंसबरी नियम भी कहते हैं। ये बेंसबरी नियम या टाटा सेलर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यदि आप फैक्ट्स पे विचार करें, और फैक्ट्स पे विचार करने के पश्चात डिसीजन मेकर का डिसीजन यदि रैशनल बेस पे नहीं होता, इसका मतलब तथ्य अलग ले जाए और डिसीजन अलग ले जाए, फैक्ट और डिसीजन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो डिसीजन क्या है, वो फेयर नहीं है। इसी तरह से राज्य का जो डिसीजन होता है वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट, ट्रांसपेरेंट, निपोटिज्म, पक्षपात से रहित और डिफरेंशिएशन वाला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय से रिलेटेड है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 14 को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया, यह प्राय एग्जाम में पूछ लेता है। लेकिन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के अधीन विधि के समक्ष जो समता है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि कोई भी समाज विदाउट प्रिविलेज के नहीं रह सकता। तो हमारे यहाँ संविधान में किसको प्रिविलेज मिला है, विधि के समक्ष समता रहते हुए रैशनल प्रिविलेज किसको किसको दिया गया है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 361 में और 361 के सब क्लास 2 में की गई है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में किया गया है कि वह अपने शक्तियों के प्रयोग में किसी भी कोर्ट में उत्तरदायी नहीं होगा। और 361 सब क्लास 2 में कहते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर वो पोस्ट पे है, टेनर में है, तो किसी भी कोर्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर नहीं चलाई जाएंगी। और प्रेसिडेंट और गवर्नर चाहे वो अपने पद को ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं तो उन पे कोई सिविल प्रोसीडिंग्स, कुछ उन्हें सिविल प्रोसीडिंग्स जिसमें रिलीफ की बात की गई है वो तब तक नहीं की जाएगी जब तक इसकी रिटर्न सूचना उनको 2 मास के समय के बाद, जो रिटर्न सूचना दिए हुए 2 महीने बीत जाने के बाद ही चलाई जा सकती है, वो सिविल मैटर्स जिसमें उनके विरुद्ध रिलीफ की मांग की गई होगी। जो विदेशी शासक हैं या राजदूत हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अनुसार
सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से क्या है, प्रोटेक्शन प्राप्त है, अनुच्छेद 14 उस पर लागू नहीं होता। इसी प्रकार संसद और राज्य विधानमंडल में कही गई बात के लिए किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। यूएनओ, उसके डिप्लोमेट्स और उसके एजेंसीज को भी आर्टिकल 14 से क्या है, प्रोटेक्शन प्राप्त है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिफरेंशिएशन एक वर्ग को प्राप्त होता है, लेकिन रंजीत लाल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एक व्यक्ति भी एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर सकता है यदि फेयर और रीजनेबल फैक्ट्स हों। तो एक व्यक्ति को भी एक वर्ग माना जा सकता है अगर उसके पीछे फेयर एंड रीजनेबल फैक्ट्स हों। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 14 समता के अधिकार को बनाए रखता है, और इसकी व्याख्या 14 की व्याख्या को समझने के लिए हमें 15 और 16 भी समझना पड़ेगा, जहां उसकी प्राथमिक लाइन ये कहती है कि राज्य भेद नहीं करेगा, और फिर दूसरी लाइन कहती है कि राज्य इन इन आधारों पर भेद करेगा। राज्य भेद नहीं करेगा तो वो इक्विटी बिफोर लॉ है, और राज्य इन इन आधारों पर भेद करेगा वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। जब भेद करेगा तो विधियां उसे वंचित को, मान लीजिए कोई वंचित है तो उसे समान रूप से संरक्षित करेंगी, इसे बोलेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग वर्ग शामिल हैं। लेकिन आधारभूत सिद्धांत रूप में राज्य अपने नागरिकों के मध्य कोई भेद नहीं करेगा और समता बनाए रखेगा, यह आर्टिकल 14 है। तो फ्रेंड्स, अब आपने देखा आर्टिकल 14, इक्विटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इसके एक्सेप्शंस के बारे में अब आपके पास एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, और आप इस ज्ञान का उपयोग अपने एग्जाम्स में अच्छे से करें। इसी सद्भावना के साथ आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।